नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज का मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। बेइंतहा डर और आतंक दोनों एक बात है। आतंक के कई चेहरे होते हैं। इन चेहरों को सीमा पार से हमारे देश में खौफ पैदा करने के लिए भेजा जाता है। हम कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। ये आतंकी घुसपैठ क्यों और कैसे हो रही है और इसे रोक पाने में हम नाकाम क्यों हैं, सवाल कई हैं जिस पर हम बात करेंगे अपने खास प्रोग्राम आज का मुद्दा में। जम्मू कश्मीर में 12 खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसने की खबर मिली है, जिसके बाद दिल्ली को भी अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। बड़ी खबर यह है कि आतंकी कश्मीर के दक्षिणी जिलों में फिदायीन हमलों को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए सतर्क है। सेना भी लगे हैं इनके पीछे। हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है। आए दिनों सीमा पार से आतंकियों के घुसने की ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आतंकी क्यों और कैसे देश की सीमा में घुस रहे हैं। सवाल ये भी है कि 56 इंच का सीना तानकर पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले पीएम मोदी के उस बयान का क्या हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने एक जवान के सिर के बदले पाकिस्तानी सैनिकों के 10 सिर काट कर लाएंगे। मोदी सरकार के 4 साल हो गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान लगातार भारत को ललकार रहा है। आतंकी घुसपैठ या फिर मिलिट्री छावनियों पर हमले बदस्तूर जारी हैं। सीमा पार से पाकिस्तान आज भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ जुबानी बंदूकें चला रही है और बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करके लोगों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग सब समझ रहे हैं। अब सवाल केंद्र सरकार से है कि आखिर लाख कोशिशों के बाद भी सीमा पार से क्यों नहीं रुक रही है आतंकी घुसपैठ। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हमारे जवान जवाबी गोलीबारी के बाद जो है वो लगातार शहीद भी हो रहे हैं, आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की इन हरकतों का परमानेंट इलाज क्या है? कैसे और कब रुकेगी आतंकी घुसपैठ? पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करना कब बंद करेगा? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो सहित संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की जांच सघन तरीके से हो रही है। पुलिसकर्मी लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अहम और संवेदनशील जगहों पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। एयरपोर्ट पर किसी तरह के हमले को रोकने के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कहीं की जा रही है। खुफिया सूचनाओं के मुताबिक आतंकवादी समूहों में बट गए हैं, आतंकी हमलावर की योजना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये रमज़ान का 70वां दिन बद्र की जंग की सालगिरह है। बद्र की जंग इस्लाम की पहली लड़ाई है जो मार्च 624 ईस्वी में हुई थी। पिछले साल भी आतंकवादियों ने बद्र की सालगिरह पर कश्मीर में कई हमलों को अंजाम दिया था। तब आतंकवादी समूह जैश ने सभी हमलावरों की जिम्मेदारी ली थी। जितने भी हमले हुए थे उनकी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। इस बीच आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के एक वाहन पर हमला किया है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में संदिग्ध विस्फोटक उपकरण या IED के 3 बैग भी बरामद किए हैं। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सेना के एक वाहन को निशाना बनाकर IED ब्लास्ट किया, जिसमें 3 सैनिक घायल हो गए। कश्मीर में हिंसा को लेकर पिछले साल एक RTI के जवाब में गृह मंत्रालय ने कुछ आंकड़े भी जारी किए थे, जिसके मुताबिक पिछले 3 दशक में 40,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। आप अंदाजा लगाइए, 40,000 से ज्यादा जाने 3 दशक के अंदर चली गई। साल 1990 से लेकर 9 अप्रैल 2017 तक मौत के शिकार हुए लोगों में स्थानीय नागरिक, सुरक्षा बल के जवान, आतंकवादी शामिल हैं। अब सवाल है कि हजारों मौतों के बाद भी सरकार क्यों सबक नहीं लेती? आतंकी घटनाओं पर कब तक सियासत की रोटियां सेकी जाएंगी? आखिर पाकिस्तान कैसे और कब सुधरेगा? आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। आखिर
क्यों आतंकवादी घुसपैठ रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर कहां हम पहुंचे, कहां खड़े हैं, क्या 56 इंच का सीना काम कर रहा है, क्या जो लोकसभा चुनाव के दौरान वायदे किए गए, क्या उन वायदों को पूरा किया गया। अब देश जो है इसका जवाब मांग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 जो है वो सिर पर है। विपक्षी पार्टियां भी इसको जो है वो मुद्दा बना रही है। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं। कश्मीर में जैश ए मोहम्मद की नापाक साजिश लगातार जारी है। 12 आतंकवादी कश्मीर में घुसने की खबर मिली है, ये सूत्रों के हवाले से, और ये अलग अलग बट गए हैं, 4 खेमों में बट चुके हैं। 2018 में आतंकी मुठभेड़ में 40,000 यानी कि अब तक 40,000, ये 17 तक के आंकड़े हैं। 2017 में 242, 2016 में 322 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को हम दिखा रहे हैं। पिछले 4 साल में आतंकी हिंसा की 932 घटनाएं हो चुकी हैं। आतंकी हमलों में 216 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं इन 4 सालों में। सेना ने 488 आतंकवादियों को मार गिराया है, 4 सालों का जिक्र कर रहे हैं। पाक गोलीबारी में बेकसूर नागरिकों की भी लगातार मौत हो रही है, इनका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्यों बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, क्यों नहीं बाज आता है, आखिर उसको क्या मिल रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी क्यों नहीं लगाम लग पा रही है कश्मीर में जैश ए मोहम्मद की नापाक साजिश? आखिर कब रुकेगी, कैसे मानेगा पाकिस्तान? क्या हमारी रणनीति फेल हो रही है, क्या दबाव पाकिस्तान के ऊपर नहीं बन पा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सीएम पपने जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल मिश्रा जी, कैसे सबक लेगा पाकिस्तान, कैसे आतंकवादी घुसपैठ रुकेगी, बड़ा सवाल है। अब जनता पूछ रही, 4 साल हो चुके हैं। चार साल का ही जवाब अगर जनता पूछती है तो शायद वो सही नहीं साबित होगा। इनका जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर में जो घुसपैठ होती है, सीज फायर का उल्लंघन होता है, या जिस तरह की आतंकी घटनाएं हैं, उसके पीछे उसके मूल कारणों पे जाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस ढंग से कश्मीर की उत्पत्ति हुई, बहुत ज़्यादा पीछे जाकर राजा हरी सिंह से ही अगर इतिहास से आगे बढ़ा जाए, तो जिस ढंग से कश्मीर को हमारे देश में मिलाया गया और उसके बाद जो झुलमुल रवैया हमारी सरकार के द्वारा, तब की सरकारों और तब से लेके आज तक, आज की भी सरकार के द्वारा, आपने अभी बार बार बताया 56 इंच का सीना और जिस तरह की बातें भाषणों में सुनने को मिलती थी, तो मैं केवल इन्हीं को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमसे आज तक 4 बार युद्ध कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे ही शरीर का एक कटा हुआ अंग है। और कहते हैं ना कि पराये से ज्यादा अपना जब दुश्मन हो जाता है तो बड़ा दुश्मन हो जाता है, तो पाकिस्तान की ठीक वही स्थिति हो गई है। पाकिस्तान क्योंकि हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, किसी भी क्षेत्र में देखिए तो पाकिस्तान की कोई उपलब्धि आजाद हमारे साथ हुआ। पाकिस्तान पूरी ताकत इस बात में झोंकने में लगा है कि किसी तरह से भारत जो है उसको नुकसान हो, भारत के लोग परेशान हो, भले ही वो दुगनी परेशानी उठा ले, आज वो तबाही की कगार पर है। बिल्कुल, बुनियादी चीजें वहां पर है नहीं किसी। उसका कारण है कि उस वहां की जो राजनीति है, देखिए सत्ता कुर्सी के पीछे पूरा सब कुछ खेल होता है। सत्ता की कुर्सी जो वहां, पाकिस्तान की जो सत्ता है या पाकिस्तान की जो कुर्सी है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। पाकिस्तान में आप कभी नहीं सुनेंगे कोई बड़ा मुद्दा लेके आंदोलन हुआ, गरीबी को लेकर, शिक्षा को लेकर, या किसी प्रकार का कोई आंदोलन अगर आज तक आपने समाचारों में सुना हो तो। लेकिन जब भी अगर कश्मीर की बात आए, कश्मीर का कोई सेना अध्यक्ष कुछ बोल दे, पूर्व राष्ट्रपति कुछ बोल दे, अभी हाल के एक महीने के अंदर की घटनाओं में आप देखिए कि वहां के सेना अध्यक्ष ने एक किताब लिखी जो इंडियन एक एंबेसडर के साथ, उसमें थोड़ा सा उल्लेख कर दिया, तो वहां ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे जटिल मुद्दा होता है। उसका कारण है कि पाकिस्तान ले दे के इसी की खा रहा है, इसी की जी रहा है, इसी पर सांस ले रहा है। पाकिस्तान जो सर्वाइव कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही, एक इस्लामिक बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, और दूसरा
था कश्मीर मुद्दे को लेकर, वो पूरे विश्व में अपने को सर्वाइव करने की स्थिति में बनाए हुए। पहले उसने अमेरिका का हाथ पकड़ रखा था, अमेरिका ने भी पिछले दरवाजे से उसकी बहुत सहायता की, फिर आज की डेट में तब से होते होते वो आज चीन पर आ गया है। चीन की भी स्थिति जो है वो हम सबके सामने है, चीन की भी मजबूरी है पाकिस्तान का साथ देना, क्योंकि एशिया महाद्वीप में भारत और चीन दो ही एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। लेकिन चीन को भारत से टक्कर देने के लिए उसे पाकिस्तान या हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका साथ, क्योंकि पाकिस्तान अकेले तो मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने साथ किसी ना किसी मजबूत देश को जोड़ना चाहता है और उसके लिए वो भले ही किसी भी स्तर पर गिरने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, अगर पाकिस्तान नाकाम हरकतें कर रहा है, नापाक हरकतें भी कर रहा है, तो हमारी क्या ऐसी मजबूरी है, हम क्यों नहीं उस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या भारत की जो राजनीति है वो इस तरह की है, इसकी वजह से जो है विपक्ष या फिर सरकार दोनों एकजुट नहीं हो पाते हैं और हम पूरी तरह से हमला पाकिस्तान या फिर कहीं आतंकवाद पर नहीं कर पाते हैं? इस पर चर्चा करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज का मुद्दा और जिक्र हम कर रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, कश्मीर का आंतरिक जो हालात हैं वो काबू में नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सी एम पपने जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीएम पपने जी, क्या यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आंतरिक हालात हैं वहाँ ठीक नहीं है? क्या उस पर काबू करना, क्या वहाँ पर शांति बहाल होना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आतंकवाद पर कंट्रोल करने के लिए, ये हो नहीं पा रहा है? हाँ, दरअसल आसिफ जी, बिल्कुल आप कहना बिल्कुल सही है, कोशिश बहुत की जा रही है और जिस तरीके से अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अभी अपना जो है जिस तरीके से अभी अपना रमजान का महीना चल रहा है तो उन्होंने कोशिश की थी कि इस बीच में जो है बिल्कुल अपना कहीं गोलीबारी न हो और हम लोग शांति बहाल करके अमन चैन से मतलब जो है इस उसको पर्वों को अपना मनाएं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि दोबारा सीज फायर का उल्लंघन, जिस तरह भी आपने कहा है कि उसका उल्लंघन हुआ और उल्लंघन करके जिस तरीके से जो फिदाई हमले की जो उस पर कोशिश की जा रही है और जो खुफिया जानकारी जैसे कि भी आपने भी दी है एकदम से, तो है क्या कि जिस तरीके से हालात जो वहाँ पर पैदा की जा रही है वाकई एक बहुत चिंता का विषय है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। है क्या कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवाद जिस तरीके से आज पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है, जो मुस्लिम आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है, ये भारत को तो कटौची रहा है एक्चुअली। और ये है कि देश के विभिन्न भागों को एक्चुअली ये जो है व्याप्त हो चुका है। इसमें जिस तरह फिदायीन हमलों का जिस तरीके से अपना पूरा जिक्र किया जा रहा है, जिस तरीके बताया जा रहा है कि इस तरीके से हमलों का अपना जो है ये व्यूह रचना पूरी रची जा रही है, मुझे याद आ रहा है कि सितंबर माह के अंदर जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो वहाँ पर मिस्टर अनूप जो हैं, तो उन्होंने बताया था कि 475 आतंकवादी जो है बिल्कुल तैयार बैठे और घुसपैठ बिल्कुल होने वाली है एकदम से बात है। ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने, सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा था एकदम से। तो है क्या कि जिस तरीके से ये पूरी व्यूह रचना रची जा रही है और इसमें सिर्फ ये है कि सिर्फ एक गुट नहीं है इसके अंदर, इसमें यह कहा जा रहा है जिस तरीके से वहां संकेत आ रहे हैं, जिस तरीके से खुफिया जानकारियां मिल रही है, इसके अंदर जो है जैसे मोहम्मद के अलावा तालिबानी, अलकायदा, आईएस, कई गुट इसके अंदर शामिल है जो कि एक तबाही बचाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसे पाक महीने के अंदर जब रमजान के अपने पूरे दिन चल रहे हैं, पिछले बार भी ये देखा गया था कि किस तरीके से आतंक का एक पूरा इस तरीके से एक खलबली पूरी बचा दी थी एकदम से बात है। तो है क्या कि हम क्रम से देख रहे हैं। और दूसरा यह है कि इनका ये पूरा एक अपना मकसद है कि किसी भी तरीके से कश्मीर के अंदर जो शांति और अमन न हो। ए के मिश्रा जी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया, गृह मंत्रालय की तरफ से गया, क्या हमारी तरफ से जो है वो शुरुआत नहीं की जाएगी? अगर आतंकवादियों ने, अगर पाकिस्तान की सेना की तरफ से अगर शुरुआत नहीं होगी तो हम इधर से शुरुआत नहीं करेंगे, पहली चीज़ ये। और दूसरी, जो कश्मीर के लोग हैं वो उनका साथ देते हैं घुसपैठियों का, यही वजह है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर यहाँ पर हो जाती हैं, ढूंढना पकड़ना। नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, देखिए जो एक टेररिज्म है, आप ये देखिए हमारे देश में एक पंजाब का भी टेररिज्म था
और एक यहाँ पे कश्मीर का भी था। अगर पंजाब वो एक टाइम तक कंट्रोल हो गया, ये तो लंबा वक्त हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, दोनों में मैं फर्क बता रहा हूँ। देखिए, पंजाब के टेररिज्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है कि भाई टेररिज्म से हम कैसे भी निपटेंगे, हम इसमें किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर या बाहरी शक्तियों की किसी भी उनसे हम राय मशविरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान के इशू, सॉरी, ये कश्मीर के इशू में कश्मीर के टेररिज्म को लेके दो फर्क है। एक तो अगर आप टेरेन देखेंगे, इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया है कि वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरा ये है लोकल जो सपोर्ट मिलता है लोकल लोगों से, ये कश्मीर की जनता को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि जब एक आइडियोलॉजिकल कुछ ऐसा देखा जाता है, वहाँ की जनता अपने आप को आइडियोलॉजिकल इस तरीके से जोड़ने या कोरिलेट करने की कोशिश करती है कि ये जो हो रहा है वो सही है, तो इस भ्रम को तोड़ना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हम लोगों का काम है। और वहां के लोगों को यह चीज समझना होगा और समझाना होगा कि अल्टीमेटली हर तरीके से जो लॉस होता है वो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको लॉस होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने देखा था, मैं माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं, कि एक सैलानी की वहां पर मौत हो गई थी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर पर्यटन कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, पर्यटकों से बहुत ज्यादा फायदा होता है। पर्यटन अभी तो सुरक्षा को लेकर इस तरह से अगर लोग असहज महसूस करेंगे कौन वहां पर जाएगा। देखिए, कश्मीर में जो टूरिज्म था उसको टेररिज्म खा गया है। आप ये देखिए, 25 साल 30 साल पहले कोई भी फिल्म इंडिया की आप देखिए, बिना श्रीनगर के डल लेक की जो झील है, बिना उसमें फिल्म की शूटिंग कर किए हुए कोई भी जो है वहाँ पे फिल्म का कोई गाना या कोई फिल्म पूरा नहीं होता था। कश्मीर में अब जो ये टूरिज्म है वो तो खत्म हो गया है। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि वहाँ के जो लोगों की अगर ये मेंटेलिटी बन गई है किसी भी तरीके से कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, वहाँ के लोकल लोग जो ये बोलते हैं आतंकवादियों को पनाह देते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा जो है एक फार्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनाना चाहिए, जैसे इन्होंने पंजाब में अपनाया कि जो टेररिस्ट हैं उनको और उनको सपोर्ट करने वाले, चाहे वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करें, चाहे वो उनको अपने घर में पनाह दें, चाहे किसी भी तरीके से करें, उनके साथ जीरो टॉलरेंस होगा, यानी कि इन लोगों को देखते ही गोली मारी जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इंडिया ने भी टेक्नोलॉजिकल इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर ली है। सर्विलांस के इक्विपमेंट आप देखिए, ड्रोन वगैरह ऐसे हैं जहाँ पे कि बॉर्डर के चप्पे चप्पे की निगरानी उस टेरेन पे रखी जा सकती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रख रही है, ताकि इमीडिएट जैसे ही वहाँ से कोई ट्रूप या उनका कोई कुछ मोबिलाइज होता है, एक जत्था मोबिलाइज होता है, तो हमें पहले ही इन्फॉर्म चल जाए कि कुछ लोग वहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में है, और इमीडिएट वहाँ पे एक्शन लिया जाए। फिर देखिए, आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी हम लोगों को मैनेज करना होगा, लड़ना होगा, तो चारों तरफ से दवा बनाना होगा। देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो आइडियोलॉजिकल, जब तक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन को नहीं तोड़ा जाएगा ना, होगा क्या? आप एक को मारेंगे चार और पैदा होंगे, तो आइडियोलॉजिकल कनेक्शन को आप सबसे पहले तोड़िए, और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो उनको जो है बड़ी सख्ती से आप निपटिए। अनिल मिश्रा जी, भारत की राजनीति या कहें कि कश्मीर राज्य की और केंद्र की जो इस वक्त संयुक्त रूप से सरकार चल रही है, क्या ये भी एक जिम्मेदार है? तरह से जिम्मेदार है। देखिए, हमारे अंदर हम सब उपाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम या हमारी सरकार या देश का कोई व्यक्ति कश्मीर में आतंकवाद ऐसे ही चलता रहे चाहता हो, सब चाहते हैं खत्म हो, लेकिन जब तक हमारे केंद्र की सरकार, भारत की सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, बहुत जोर देके कह रहा हूं कि उनको अपनी विल पावर बिल्कुल डिसाइड करनी पड़ेगी, आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए उनको पूरा मन बनाना पड़ेगा, तब तक ये समस्या नहीं सॉल्व की जा सकती। इस समस्या के पीछे संभव तो नहीं है, इस समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं, संभव नहीं, बहुत आसान है। पंजाब इससे बड़ा आतंकवाद पैदा किया, बहुत बड़ा था, पंजाब का आतंकवाद इनसे बहुत ज्यादा देश में आया था, और पंजाब को भी इंटरनेशनल सपोर्ट मिला था। एक ही डिफरेंस था, पंजाब समतल मैदानी भूमि पर था, वहां पर थोड़ा सा एक चीज है कि पहाड़ी एरिया है, और क्योंकि हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर वहां काफी लंबे। अनिल जी देखिए, अगर दोनों का अगर जिक्र करें, दोनों की तुलना करें, तो पंजाब वाला पूरे देश में फैल गया था और ये एक जगह सीमित बिल्कुल है। पंजाब का आतंकवाद आप अगर देखें तो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां सिख समुदाय था, चाहे वो छोटे रूप में रहा हो चाहे बड़े रूप में, अगर आप देखें तो उस वक्त पूरा भारत दहल गया था। एक समय यह आ गया था सरदारों को देख के लोग डरने लगे थे, उनके आतंक का पर्याय इतना बन चुका था। लेकिन यहां ध्यान देने वाली यह बात है, जैसे वर्तमान में
अगर बात करें 56 इंच का सीना आपने उल्लेख किया और मोदी गवर्नमेंट भारत सरकार बनकर आई, इतनी विशाल बहुमत से आई, तो कश्मीर समस्या हल करने को तो छोड़िए, आज भारत पर सबसे बड़ा कलंक, अगर आसिफ जी ध्यान दीजिए, ये किसी धर्म संप्रदाय से नहीं है कि 3.5 लाख लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हैं पिछले 20-22 सालों से, और उनकी समस्या केवल उनको वापस घर नहीं भेजा जा पा रहा अपने ही देश में, जहां पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इतनी अंतरराष्ट्रीय, आजकल रोहिंग्या से लेकर अगर उधर आप सीरिया यूरोप कंट्री में चले जाएं तो, लेकिन यहां कितनी बड़ी एक विडंबना है कि हमारे अपने देश में ही लोग, यही दिल्ली में 3.5 लाख लोग सड़कों पर झुग्गड़ झुप्पी में बेचारे, आज 20-22 पिछली सरकारों ने नहीं किया उसका आरोप लगाकर ये सरकार बनी, एक धर्म से जुड़कर धर्म की भावनाओं को उभार कर और एक विश्वास दिलाया गया इस सरकार के द्वारा कि और कुछ नहीं करेंगे कम से कम उस मुद्दे को। लेकिन आप देखिए, हमारे कहने का मतलब कि राजनीतिक जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, विल पावर जो पॉलिटिकल होना चाहिए, वो किसी सरकार में नहीं आता, कारण इसके पीछे सिर्फ वही सत्ता आ जाती है, क्योंकि अब देखिए इनकी सरकार यही अगर ये गलती कर बैठे तो वहाँ पे ये उन्होंने समझौते की सरकार बना ली, या तो ये पूरी सरकार बनाते अन्यथा ये वहाँ से हट ली होती। अनिल मिश्रा जी जो अब इन्होंने सहयोग से वहाँ सरकार बनाई, अगर यही दूसरी पार्टी की सरकार होती और उनके ही विधायक अगर इस तरह का बयान देते कि आतंकवादी अगर कोई मरता है तो उसके मरने पर गम मत करिएगा, इस तरह के बयानबाजी की जाती है और उधर झंडे के बारे में ऐसा किया जाता है उस पार्टी के बारे में, तो यही पार्टी जो है, यही बीजेपी उस गठबंधन का जीना मुश्किल कर देती है। बस देश का दुर्भाग्य यही ना, यही तो समझने वाली बात ये है। जो करें वो ठीक है, किस पार्टी, आप ध्यान दीजिए किस पार्टी से हाथ मिलाया है, हाँ। जो कश्मीर को कभी भारत का अंग नहीं मानती थी, जो आतंकवादियों के मरने पर उनको शहीद का दर्जा देती है, आज भी देखिए बुरहान वानी हो या कोई भी आतंकवाद मारा जाता है, आतंकवादी तो कहा जाता है कि वो नौजवान मासूम बच्चे हैं या गलत रास्ते पर चले गए, तो जो इस तरह या तो केंद्र सरकार, चाहे वो मोदी का नाम लीजिए या केंद्र सरकार से संबोधित करिए, तो उस सरकार को एक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसमें ऐसा कुछ नहीं, हम आपको बहुत बताएं, अगर कश्मीर में आज भी सर्वे करा लीजिए तो 75% ज्यादा जनता इंडियन अपने को मानती है और यहाँ बहुत सुखी जीवन जी रही है, उसके पीछे कारण है कि हमारा कश्मीर का एक पार्ट जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां की स्थिति जाके देखिए, जमीन आसमान का अंतर है जिसको हम पाकिस्तान कश्मीर कहते हैं और जो हमारा कश्मीर है, वो आज भी 50 साल पुराने उसमें कश्मीर की स्थिति में पड़ा हुआ, किसी प्रकार का विकास नहीं है, और पाकिस्तान सरकार और सेना का जो जुल्म वहां ढाया जाता है वो शायद बयान करने लायक नहीं है, वहां लोकतंत्र या आवाज उठाने की 1% की भी गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन चूंकि एक धर्म से जोड़कर पाकिस्तान, मैंने बताया ना 4 युद्ध लड़ा उसने, जिसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और वो उस युद्ध में बार बार हारता रहता है और उस पूरे देश की जनता को, पाकिस्तान सरकार अपने पूरे देश की जनता का ध्यान बटाए रखने के लिए वो बार बार इस तरह की हरकतें करता है कि वो ले दे के कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और वहां पर इसको ईगो बना लिया गया है, वहां पर इसको आत्मसम्मान की बात मान ली गई है, तो इस पर हमें सरकार को एक सरकारी स्तर पर भी बात करनी चाहिए, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जैसे एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बात करनी चाहिए, 56 इंच का सीना कह देना या ललकारना कि एक सर काटोगे 10 सर ले आएंगे, साहब 4 साल में एक सर्जिकल स्ट्राइक करके आप घुस गए मार के चले आए, बहुत अच्छी बात, सबने तारीफ की, लेकिन इससे हमारी समस्या नहीं हल होती, ये आपको हर अंतराल पर हर महीने 2 महीने में एक बार करना पड़ेगा, या तो आप हिंसा करके ही हथियार के बल पर अपनी ताकत दिखा के डरा के, लोग ये कहने लगे कि आप, अब तो लोग कहने लगे कि आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, शायद चुनाव के वक्त में आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और सेना की कार्रवाई को भी देखिए, आप चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, सेना की कार्रवाई को भी भुनाने की कोशिश की जाती है। सीएम पपने जी, सरकारें क्या सिर्फ वायदा करती हैं? अगर इस सरकार की देखा जाए, बड़ी उम्मीद थी, लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे थे लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर को लेकर था, घुसपैठ को लेकर था, आतंकवाद को लेकर था, लेकिन कम से कम इस मसले को लेकर भी सरकार फेल हुई है, लोग नाराज हैं, क्योंकि आप देखिए कितना जवान शहीद हो गया। बिल्कुल आसिफ जी, इस तरीके से इतना जवान शहीद हो गया है कि तो हमारा ये युद्ध हुए थे तो उसमें इतना शहीद नहीं हुए थे, एक दो से बात है क्या कि जिस तरीके से वहां पर कार्रवाइयां हो रही है। सीएम जी दूसरी चीज और देखिए, बिल्कुल नाकाम हमारी जो सरकार है। सीएम जी दूसरी चीज और देखिए कि सरकार जब आंकड़े देती तो आतंकवादियों को कितने आतंकवादियों को एक साल में मारा, ये आंकड़े देती है,
ये नहीं बताती कि कितने जवान शहीद हुए, इसका जिक्र सरकारें नहीं करती। दुर्भाग्य है, यह है क्या कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड में किस तरीके से जो हमारे शहीद जो सैनिक होते हैं किस तरीके से उनको वहाँ ले जाया जाता और किस तरह वहाँ जो है पूरा मतलब रोना धोना और क्या नहीं चलता है वहाँ पर, एक दूसरे बात है। इसी तरह पूरे देश का हाल है, एक दूसरे बात है, इतने जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है हमारे पूरे देश का। और उसके बावजूद भी हम जो है अपना एक गठबंधन की सरकार चला के वहाँ पर जो है मतलब इस तरीके से अमन चैन और उसकी बात करते हैं, एक दूसरे बात है। तो है क्या अगर हमने अगर कसम खाई है, अगर हमने 56 इंच की छाती की अगर बात की है, तो हमें यह चाहिए कम से कम हम जो है एक बार जिस तरह का भी अपना इसका पूरा अपना चल रहा था कि हमने साहब ये कर दिया और वो कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वहां तक उनको मार के आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बार बार ये करना पड़ेगा, अगर आप मुंह तोड़ जवाब अगर नहीं देंगे तो ये आपको जो है उस तरह का जवाब मिलेगा कि आप बिल्कुल संभल नहीं पाएंगे। सीएम पवनर जी, क्या ये सिर्फ घड़ियाली आंसू है? बिल्कुल, ये जवान शहीद हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बड़ा तकलीफ होती है, सरकारें कहती हैं कि हमें भी बुरा लगता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, अगर ऐसा महसूस हो, उनको गम हो, उनको तकलीफ हो, तो शायद अंजाम कुछ और हो। बिल्कुल, दरअसल है क्या कि जिस तरीके से पहले ताबूतों पे मतलब मैं अपना इतना बड़ा जिक्र उठा सरकार को मतलब गिराने की कोशिश, आज क्या हो रहा है एकदम से बात है, आज हो क्या रहा है आसिफ जी, गठबंधन की वहाँ पर सरकार चल रही है और गठबंधन की सरकार चला के इनको यह है कि हम पूरे भारत वर्ष के हर राज्य के नाम से सरकारें बना लें, चाहे किसी भी रूप में बनाए हैं, एक दूसरे बात है, चाहे हमें किसी से भी हाथ मिलाना पड़े, एक दूसरे बात है क्या कि अगर पाकिस्तान ने अगर कसम खा रखी जब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुए तो आज बांग्लादेश बना, तो पाकिस्तान ने भी कसम खा रखी कि भाई हम भी जो है कश्मीर को अलग करके छोड़ेंगे, तो क्या उसका जवाब ये हमारा हिंदुस्तान दे पा रहा है उन्हें, एक दूसरे बात है? बिल्कुल सवाल नहीं दे पा रहा, बिल्कुल सवाल इस बात को लेकर है। अच्छा ए के मिश्रा जी, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वहां बुनियादी चीजों को लेकर लोग तरस रहे हैं, वहां शिक्षा को लेकर आप देखिए स्कूलों में क्या हालत हो चुकी है, अस्पतालों में वहां व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग मदद मांग रहे हैं दूसरे देशों से, लेकिन कश्मीर के लिए फंडिंग होती है, कश्मीर के लिए पैसा इकट्ठा होता है, करोड़ों और अरबों रुपए भेजा जाता है, पत्थरबाजों को दिहाड़ी दी जाती है, नेताओं को घूस खिलाई जाती है। देखिए आसिफ, अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये बात सत्य है कि पाकिस्तान में बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी वहाँ जो सबके सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे नहीं है, और वहाँ के लोग तरसते हैं कि इंडिया वगैरह में आके उनका इलाज हो जाए। मैं बड़े सिंपल ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ही बुरा हाल है वहाँ। नहीं नहीं, और मैं दूसरी चीज बताता हूँ, देखिए आप इसका इतिहास देखिए, पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था तो ठीक है उस वक्त सपने कुछ और रहे होंगे, लेकिन पूरी आइडियोलॉजी को सत्ता लोग कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो चला था वहाँ पे, कि हम मतलब ब्लीड इंडिया का एक उनका कॉन्सेप्ट था, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम इंडिया को इतने कट्स देंगे, इतने घाव देंगे कि इंडिया उसको झेल नहीं पाएगा, जो खर्चे वगैरह होंगे सारी चीज़ें, और अल्टीमेटली हम जो है कश्मीर या श्रीनगर को इन सब चीज़ों को हम अलग करवा लेंगे। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जानते थे कि हम हर मामले में बहुत मजबूत है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब किसी कंट्री में मतलब चारों तरफ विकास नहीं होता है, एजुकेशन का, इंडस्ट्री का, अब वहाँ पे जो सत्ता पे आसीन जो लोग हैं वो अपनी रोटियाँ कैसे सेकें, कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि उनको कोई रिस्क ना हो। पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है? पाकिस्तान इकोनॉमी के फील्ड में आगे बढ़ नहीं सकता, एजुकेशन, इनोवेशन, इन्वेंशन के फील्ड में आगे बढ़ नहीं सकता है। वो उनका एक दो कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट यह है कि कैसे भी करके इस्लाम या इस्लामिक कंट्रीज या ऐसे लोगों के आप रहनुमा बन जाइए, ऐसे लोगों के लीडर बन जाइए। इसीलिए इन लोगों ने अपने एटॉमिक बम का एक बहुत बड़ा नाम दिया कि ये इस्लामिक बम है। आप अगर इंटरनेशनल मीडिया वगैरह में जाके देखेंगे, देखिए फिलिस्तीन का मसला हो पाकिस्तान वहाँ पे भी टांग अड़ाता हो, अभी रोहिंग्या का मसला था पाकिस्तान की स्टेटमेंट वहाँ पे भी गई कि भाई हम मदद करने जाएंगे। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी टेररिज्म का कहीं पे कोई मामला होता है, सबसे पहले भाई बन के मदद पहुँचने के लिए और सुरक्षा करने के लिए पाकिस्तान पहुँचता है। तो पाकिस्तान की अब ये एक ऐसे जाल में पाकिस्तान फंसा हुआ है जहाँ पे वो ये चाह रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से येन केन प्रकारण जो एक बची खुची मतलब कुछ एक हिस्सा है इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ लोगों का ग्रुप है, हम उनके लीडर जो है बने रहें और सर्वाइव करते रहें इंटरनली और इंटरनेशनली दोनों जगह। कश्मीर को लेकर वो कश्मीर की मदद नहीं कर रहा है, कश्मीर का नुकसान कर रहा है। मदद कश्मीर, तो देखिए मैंने आपको कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, देखिए मिश्रा जी, कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, हर कोई जाना चाहता है, आतंकवादियों की वजह से वहाँ माहौल खराब है इसलिए नहीं जाना चाहता है,
कश्मीर में तो इतनी ज्यादा कमाई होती, वो तो इतना संपन्न राज्य हो चुका होता, लेकिन यही दुश्मन है कश्मीर के। देखिए, मैंने आपको एक घर घर सुकून होता, आपको एक वर्ड यूज किया था आइडियोलॉजिकल। हाँ। अब देखिए, कोई चीज हमारे लिए बड़ी खूबसूरत है, हम उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, लेकिन जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है ना, उनको तो इन्हीं सब चीजों में बहुत अच्छा लगता है कि देखो जी हम जीत रहे हैं, मतलब बेगुनाह लोगों को हमने मार दिया, और वो उसको बहुत अच्छा काम समझते हैं, वो उसको अपना मिशन अकम्प्लिश समझते हैं। जिन्होंने अपना मिशन ही ये बना लिया है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, केवल हमें बंदूक, आप मुझे एक चीज ये बताइए, किसी भी रिलीजन में हमेशा बंदूक को पकड़े रहना, मेरे ख्याल से कोई भी धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता है। लेकिन जहां अब देखिए, यहां पे हाईजैक, आइडियोलॉजी कैसे हाईजैक होती है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से किसी एक आइडियोलॉजी को दूसरी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ के ये सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि ये काम बहुत अच्छा है, और इसी के कारण ये सारी चीजें आती है। पाकिस्तान जो इस चीज़, देखिए मजबूरी है पाकिस्तान की इस चीज़ को सपोर्ट करना, इंटरनेशनल लेवल पे अपने वजूद को बचाए रखना और इंटरनल भी अपने वजूद को बचाए रखना। जिस दिन जो है पाकिस्तान इन सब चीज़ों को, टेररिज्म और इन सब चीज़ों की फंडिंग बंद कर देगा ना, इंटरनली आप देखिएगा, इंटरनली भी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान एक जिंदा है, इस चीज़ की खबर सब जगह जाती रहे, तो इस तरह के हल चले या इस तरह की करतूतें वो लोग करते रहते हैं, उन्होंने एज ए आइडियोलॉजी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल अनिल मिश्रा जी, जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पर हालात ठीक नहीं होंगे, जब तक मुझे नहीं लगता उनके पड़ोसी जितने भी मुल्क होंगे वहाँ पर वो चैन से सुकून से रहेंगे। पहले पाकिस्तान को अपने घर के हालात ठीक करना चाहिए, वहाँ पर आए दिन विस्फोट हो रहा है, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और इसकी एक वजह है सेना चाहती है कि पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलाए, खुफिया एजेंसियाँ अपने हिसाब से चाहती हैं, सरकारें चाहती हैं हम अपने हिसाब से चलाएँ, और धार्मिक जो वहाँ पर लोग हैं वो चाहते हैं सब कुछ उनके हिसाब से कायदे कानून होना चाहिए, तो पाकिस्तान तो खुद बटा हुआ है आपस में। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ सबसे बड़ी जो मूल समस्या है पाकिस्तान का, जिस स्थित परिस्थिति में निर्माण हुआ था, अगर आप ध्यान दें तो जिन्ना जी का जिस आइडियोलॉजी के साथ देश अलग करना, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक विवादित टिप्पणी होती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आज की वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान में कोई एक ताकत या कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह नहीं कर सकता कि पाकिस्तान वो चलाता है। पाकिस्तान को चलाने में इस वक्त चार पांच संगठनों का, चार पांच ताकतों का, जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं, उनका हाथ रहता है, और वो सब एक दूसरे से मजबूत हैं। जैसा आप ही ने बताया, एक तरफ सरकार होती है, एक तरफ सैनिक होते हैं, एक तरफ उनकी ISI होती है, और अब देखिए वहां पर आतंकवादी संगठनों का भी उस देश पर अच्छी खासी पकड़ हो गई है। उसका सीधा उदाहरण हाफिज सईद को लेकर देखिए, वहां की सरकार चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही, जिसका एक उदाहरण अभी नवाज शरीफ जी ने डरते डरते कुछ बोला था। तो वहां ध्यान देने वाली बात है कि आज भी मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान में आज भी अगर आप चले जाइए, हमारे आपके ही भाई बहन लोग हैं, हमारे आपके बीच में ही पले बढ़े थे, हम आप साथ साथ जिए, वही जाके वहां रह रहे हैं। 75% जनता, 75% जनता आज भी चाहती है कि भारत पाकिस्तान एक हो जाए, भारत पाकिस्तान के प्रेम बढ़ जाए, आपस में हम लोग का आना है, इवन कि वो बाउंड्री तक हटाने को तैयार है। लेकिन ये जो 25% बसता है, इस 25% में ये आतंकी संगठन, ये ISI और ये जो वहां की सेना, जो सेना का एक कहते हैं ना, खून लग चुका है सरकार चलाने का। पाकिस्तान का इतिहास देखिए, पहले दिन से आज तक कोई सरकार कार्यकाल नहीं पूरा कर पाती है। तो ये जो एक वहां पर बड़ा तिकड़म वाला स्थिति पैदा हो गई है, इस तिकड़म को दूर करने के लिए ये समस्या वहां की जनता ही दूर कर सकती है। एक बार वहां पर आंदोलन होना जरूरी है। जब तक पाकिस्तान की जनता खुद ब खुद आगे आकर एक लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए आंदोलन नहीं करेगी, और अपने जीवन स्तर को उठाने का जो एक प्रयास होता है उसको जब तक नहीं करेगी, सोच नहीं बदलेंगे। अगर आप देखें एक अनिल मिश्रा जी, तो पाकिस्तान जो है वो अपने आप में एक उलझा हुआ है, अपने आप में जटिल, इन सारी चीजों जो हम जिक्र कर रहे हैं, सेना, खुफिया एजेंसी, सरकार, आतंकवादी, धार्मिक लोग, आसिफ जी आप ध्यान दीजिए, समझ नहीं पा रहे कि हमें कैसे चलाना है, क्या करना है। इससे ज्यादा समझने को आप क्या मिलेगा कि जिस आतंकवाद की जननी केंद्र अब आज की डेट में पूरा विश्व पाकिस्तान मानता है। उस पाकिस्तान में अगर आप उल्टा थोड़ा नजरिया देखें, जितनी आतंकवादी घटनाएं खुद ब खुद पाकिस्तान में हो रही है, जितने ये आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिकों को ही मार रहे हैं, रोज पेपर पढ़िए, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि
खुलासा हुआ, तो ये एक समझने वाली बात है। लेकिन ये कट्टरता, देखिए इसके पीछे दो तीन बहुत बड़े कारण हैं। एक तो उस धर्म को गलत ढंग से कब्जा करके और व्याख्या करने वाले जो इस्लामिक कट्टरता को एक गलत ढंग से जनता के सामने रख रहे हैं, ये मतलब उस देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि वहां की जनता इस जकड़न से बाहर नहीं आ पा रही है। चाहकर, ऐसा नहीं वो चाहती नहीं, चाहती है, लेकिन इन लोगों का माया जाल ऐसा फैल चुका है वहां पर, उसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। और जब तक वो एक आंदोलन के रूप में, जैसा कि आजादी के टाइम में उसी जनता ने साथ दिया था, अंग्रेजों को भगाने में केवल हम ही भारत वाले साथ नहीं थे, वो हमसे आगे थे, लेकिन आज वो अपने ही लोगों से इस कदर घिर गए हैं कि उनकी अब आंतरिक लड़ाई बहुत जरूरी है। जिस दिन वो इस आंतरिक लड़ाई को लड़कर अपने देश को अपनों से ही स्वतंत्र करा लेंगे, तब जाके शायद ये समस्या हल हो। अनिल मिश्रा जी, दूसरी तरफ देखिए आप, अब पूरे दुनिया में ये बात कही जा रही है कि आतंकवाद का केंद्र जो है वो पाकिस्तान है, आतंकवाद का गढ़ जो है वो पाकिस्तान है, और यहीं से शुरुआत हुई, यहीं से फैला, और यही कहीं भी अगर घटनाएं होती तो कहीं ना कहीं तार मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या इसी मजबूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया जा रहा? देखिए उसके उसका भी बहुत लंबा इतिहास है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा पीछे जाके ध्यान दें तो अमेरिका ने बहुत साथ दिया। पाकिस्तान स्वयं आतंकवादी देश नहीं बना, पाकिस्तान को लोगों ने यूज किया। जैसे कहा जाता है ना कि इस्तेमाल कर, मंद बुद्धि या साधारण व्यक्ति को कोई बहुत हाई पावर आए, बड़े बड़े सपने दिखाकर एक गरीब देश को, पाकिस्तान एक गरीब देश था, उसको जिस ढंग से अमरीका ने, अगर ध्यान दें सबसे पहले अमरीका ने यूज किया है, और अमरीका ने ही इसको पैसे दिए, और अमरीका नहीं वहां आतंकवाद, तब रशिया और अमेरिका दो ही समूह थे, गुट थे पूरे विश्व में, उन लोगों के बीच की जो लड़ाई थी उसका यूज अमेरिका ने किया, और एक दो साल नहीं 25 साल से ज्यादा किया। लेकिन जब यही पौधा, आतंकी पौधा जिसको उन्होंने छोटा सा बोया था, उन्हीं के ग्रेवाद पे हाथ डाला, जब वो उसके कांटे उनको खुद गड़ने लगे, और जब वो ऐसे ऐसे जिसके विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी घटना वो टावर को उड़ाना और पूरी दुनिया दहल गई थी, तब जाके अमेरिका की आंख खुली कि ये हमारा, हमने गड्ढा खोदा था, हम खुद इस पे गिर गए। आज जरूर आता अमेरिका अपना हाथ पैर खींच रहा है, लेकिन अब उसी की राह पर अगर ध्यान दें तो चाइना चल पड़ा है, क्योंकि चाइना भी अमेरिका बनने की राह पर चला है। तो लेकिन यहां चाइना की गलती कहना या अमेरिका की गलती कहना, क्यों नहीं भारत आतंकवादी बन गया, क्यों नहीं बर्मा बन गया, क्यों नहीं भूटान बन गया, या अन्य किसी देश का, ये पाकिस्तान को खुद समझना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन हमारा लेकिन किस तरह किया, लेकिन सीएम पपने जी, लेकिन सीएम पपने जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी ने कहा कि अमेरिका ने शह दी और अमेरिका ने ये सब शुरुआत कराया, और बाद में गलत चीज़ गलत होती है, अगर सबके लिए गलत है तो उसके लिए भी गलत है, बाद में अमेरिका के अंदर ही बहुत बड़ा हमला किया गया, वहाँ हज़ारों लोग मारे गए, क्या इसी तरह से नुकसान अगर चीन पाकिस्तान को संरक्षण देता रहेगा तो भविष्य में चीन को हो सकता है? गलत चीज़ किसी की नहीं होती है। आसिफ जी आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है। देखिए इतना बड़ा आतंकवादी, कम से कम चीन अमेरिका से सबक ले ले। बिल्कुल, आप देखा जाए कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा हुआ था और किसने उसको मारा। जिस अमेरिका की अभी बात हो रही है, उतने बड़े दुश्मन को जो है अमेरिका ने खोज के निकाला, वो भी कहाँ निकाला, पाकिस्तान के अंदर, और किस तरीके से मारा, वो सब पूरा दुनिया ने उसको देखा, और उसकी लाश का भी किस तरीके, उसकी लाश को कहाँ छोड़ा गया वो भी दुनिया को पता चला। एक दूसरे बात है तो है क्या कि दरअसल जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तानियों ने इस तरीके से पूरा देश को वो क्या, उस आतंकवादी का क्या हुआ, एक दूसरे बात है किस तरीके उसकी मौत हुई, एक दूसरे बात है क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं, है क्या क्या, अगर हमें देश की प्रोग्रेस की अगर बात करनी है। अब हमारे इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, ये तो पाक महीना है, अपना अमन शांति चाहिए, सरकार ने भी सोचा भाई चलो ठीक है इस बीता पूरा सीज फायर करें और कहीं कोई गोली नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी आपने इस तरीके से अपने कर्म किए। अब इधर जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 28 जून से है ना, अगस्त तक का, तो उसके लिए आपने अभी से पूरा अपना फियादिन हमले आपने जो है कर दे, अपने शुरू कर दी है, उसकी अपने पूरी योजना बनानी शुरू कर दी है, पिछले वर्ष भी आपने किया था, क्योंकि आपने ये देखा है कि 2016 के अंदर जो है इनकी जो पूरी अपने पूरे 220,000 आदमी ने जो है यहाँ की ये श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी, 17 में ये बढ़ के 260,000 हो गए, अब इस बार ये और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको ये है कि यहाँ अमन और शांति न रहे, यहाँ किसी भी तरह कोई धार्मिक कार्य न हो, है, और यहाँ को हम इस तरीके से हम इनको एक पलित कर दें, जो आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं वहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं और वहां से आतंकवादी को यहां छोड़ा जाता है, एक दूसरे बात ये, एक क्या मजाक बना रखा है, और उसके बावजूद भी हमारी
इतने मजबूत सरकार, केंद्र की सरकार जिसने जो कि इसी बलबूते पर आई थी, कम से कम जो है उसको आधे वोट इसी बलबूते मिले थे कि कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन कश्मीर का मुद्दा जो है आज तक अनसुलझा है। आप आसिफ जी, तो आखिर है क्या कि भारत की जनता क्या देख रही है? तुमसे बात यह कि इसी तरीके से जो अभी आपको सवाल किया सैनिक मारे जाए, शहीद हो गए। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर एक सेना का सिर कटेगा तो उसके बदले हम 10 सिर लेकर आएंगे। कहां गए वो वायदे? वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एके मिश्रा जी से पूछेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जो सबसे खतरनाक आज के दौर में है, आज नासूर बन चुका है, हर देश के लिए खतरा बन चुका है, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक वजह है जो आतंकवाद दुनिया से खत्म नहीं हो रहा है? वक्त के छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात सिर्फ कश्मीर के जो आतंकवादी घुसपैठ हो रही है उसकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिक्र पूरी दुनिया में जो आतंकवाद की वजह से परेशानियां हो रही हैं उस पर लेकर चर्चा हो रही है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा, जिस तरह से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है और सबको परेशानी है कि आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, हर देश इससे प्रभावित हो रहा है, फिर भी एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आतंकवाद पैदा कैसे होता है, जरा इसके कारण देखिए। एक तो इंटरनल जेन्यून रीज़न हो सकता है कि अपने आप, मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि कोई वहाँ गुट उत्पन्न हो गया विद इन अ कंट्री, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखेंगे तो आतंकवाद को प्रमोट करने वाले, उसके कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने वाले बहुत सारे देश होते हैं अपने जो है इंटरनेशनल हित को साधने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ये अपनाया कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और पीसफुल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखा जाए तो जब जियाउल हक साहब वहां पे जो है मतलब जबरदस्ती उन्होंने सत्ता छीनी और वहां के राष्ट्रपति बने, तो 3M का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, जिससे पूरा पाकिस्तान चलता था, यानी मिलिट्री, मुल्ला और मस्जिद, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। और चूंकि वो खुद नाजायज तरीके से सत्ता पे काबिज हुए थे तो उनके लिए ये जरूरी था कि जो लोग विद्रोह कर सकते हैं उनको शांत कैसे करें, उनको सत्ता में कुछ न कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से बेनिफिट दिया गया या स्टेक दिया गया, जैसे मस्जिद हो गया, मुल्ला हो गया, मिलिट्री हो गया, इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिक्टेट करना शुरू किया। फिर हुआ क्या, जब आर्थिक तंगी वहां पे आई और अफगानिस्तान में वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अप्रोच किया, अमेरिका ने पैसे दिए, पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे, पाकिस्तान ने अपने लोगों को, अपने मिलिट्री को ये बोल करके अमेरिका को दिया कि भाई अफगानिस्तान में हम आपके लिए लड़ेंगे, और एक बहुत खूबसूरत तरीके से उसको एक जिहाद का जो है कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी से जोड़ा गया ताकि जो नौयुवक वहां पे जिनको पैसों की जरूरत है, जो बेरोजगार हैं, उनको उस आग में झोंका जाए। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या हुई कि जब अफगानिस्तान का वॉर खत्म हो गया तो सारे के सारे जो हथियार थे वो उनको वापस लेने चाहिए थे। ये इतने दिनों तक वॉर चला कि उन्होंने हथियार वगैरह वापस भी नहीं लिए, और जो लोग उन चीज़ों में अफगानिस्तान में जाके शामिल थे उनको फिर से रिहैबिलिटेट करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अब ये इतनी बड़ी मतलब तादाद में ये सारे लोग पैदा हो गए थे तो वो जाएँ तो कहाँ जाए, वो पाकिस्तान के ऊपर वापस। देखिए, जो पाकिस्तान में आतंकवाद है ये इसी की उपज है कि जो आपने एक फसल तैयार कर दी है अब वो कहाँ जाएगा, वो आपको ही काट रहा है। ठीक यही देखिए, अमेरिका यही आतंकवाद अमेरिका के ऊपर भी कर, जब तक अमेरिका के लिए फायदा होता था तब तक फायदा होता था, जब अमेरिका अगेंस्ट हुआ एक लेवल के बाद तो अमेरिका के ऊपर भी अटैक हुए, जो टावर वगैरह 9/11 की जो घटना हुई थी। देखिए सारे देश क्यों नहीं, सीरिया का आप एग्जाम्पल लीजिए, वहां पे आप देखिए परोक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप ये देखिए जहां पे इंडिजिनस प्रॉब्लम है, जैसे रशिया हो गया बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों के लिए, आप इसराइल देखिए बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पे आतंकवाद वगैरह जो है पनप नहीं पा रहा है। उसका रीजन है कि वहां हर चीज क्लियर है और उनकी पॉलिसी और फिलॉसफी क्लियर है, लेकिन अगर आपके हाथ खुद उस चीज में इन्वॉल्व है, रंगे हैं, तो आप खुल करके कैसे किसी चीज का विरोध कर सकते हैं?
तो जो चीज एक किसी एक देश के लिए फायदेमंद है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक है। जब तक उसके लिए नुकसानदायक नहीं है तब तक विरोध नहीं कर रहा है। नहीं, जिसके लिए नुकसानदायक है वो विरोध करेगा, लेकिन जिस देश का फायदा है वो विरोध क्यों करेगा। बिल्कुल। अनिल मिश्रा जी, आपने देखा जब विश्व युद्ध हुए थे उसके बाद सारे देश मिले, कई देश पहले मिले, एक एक करके कई देश मिल गए कि संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए ताकि एक दूसरे के जो आंतरिक मामला है उसमें कोई भी देश उसमें शामिल नहीं होगा जब तक दूसरे देश को जो है खतरा ना हो। और ये संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना संयुक्त राष्ट्र, ये काफ़ी कामयाब हुआ अपने मकसद में। लेकिन अब आतंकवाद से जब इतना ज़्यादा खतरा हो रहा है तब वहाँ पर उस पटल पर क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे सारे देश? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था तो उस वक्त का परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो विश्व का एक तरह से निर्माण हो रहा था, सभी देश एक दूसरे से उलझे हुए थे। कहा जाता था ना कि यूरोप अंग्रेजों का शासन ऐसा है जहां पर उनका साम्राज्य इतना बड़ा है कि वहां सूरज कभी नहीं अस्त होता। तो उस वक्त कोई उपनिवेश बना था, कोई गुलाम बना था, हम भारत वाले भी थे, पाकिस्तान भी थे, मतलब पूरे विश्व में सब एक दूसरे। लेकिन वो 1945, 1950, 1960 का दशक आते आते पूरे विश्व का निर्माण एक तरह से पूरी तरह से हो चुका था। लगभग देश आजाद हो चुके थे, लगभग देशों की जो अपनी सीमा रेखाएं, जो अपनी नीतियां, वो नामकरण सब लगभग हो चुका था। तो जो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है और जिस परिप्रेक्ष्य में होता है तो वहां तो उन्होंने अपनी एक जो भूमिका निभानी थी बहुत अच्छी निभाई और वहां पर वो सफल रहे। लेकिन उसके बाद अगर आप उसके बाद देखें तो विश्व का परिदृश्य बदला है। 1950 और 60 का भारत सोचे और आज का भारत सोचे, 1950-60 का चीन सोचे, आज का चीन सोचे, मेरे बतलाने का मतलब उस वक्त का जापान देखें, आज का तो पूरा विश्व का परिदृश्य बदला। जो वहां पर पांच सदस्यों का एक स्थायी सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी, जो उस वक्त की स्थित परिस्थिति उसमें तो फिट बैठी। लेकिन अगर आज आप देखें तो आज भारत अमेरिका से कम नहीं है, आज चाइना अमेरिका से कम नहीं है, एक ये तो बहुत बड़े देशों का नाम ले रहे हैं। अगर आज नेपाल भी अकड़ कर बात करता है तो अमेरिका उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो उसका कारण है वो जो पांच विश्व में प्रमुख देश उस वक्त थे उनको जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। एक तो लगभग 200 देशों के बीच में केवल पांच राष्ट्र रखे गए, उस पर भी उससे बड़ा जो एक गलती हुई, जो उनको एक वीटो पावर दिया गया है कि अगर वो कोई मुद्दा उठे पांच के पांचों एक ने अगर वीटो कर दिया और चार कहते हैं ये सही है, लेकिन अगर एक कहता है ये नहीं सही है तो नहीं चार की बात नहीं मानी जाती। तो ये जो एक वीटो पावर है उसका उदाहरण है, चूंकि हम लोग आतंकवाद पर बात कर रहे हैं तो अगर अभी आप देखें कि पूरा विश्व यहाँ की अमरीका ने भी मान लिया कि हाफिज सईद सबसे बड़ा आतंकवादी है और इसको उत्तर कोरिया भी एक बड़ा उदाहरण है, जब कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया भी एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन आप उत्तर कोरिया पर हमला नहीं कर पा रहे, कुछ लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, कुछ देश जाएं हम अपने देश में ना कि हाफिज सईद को लेकर अमेरिका तक ने कह दिया, लेकिन चाइना जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है खड़े होकर उसने वीटो पावर यूज कर लिया और देखिए सारा का सारा विश्व। तो ये जो आपका प्रश्न था, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की का एक पुनर्गठन, जिसकी भारत पिछले 15-20 सालों से बड़ी ठोस आवाज उठा रहा है और काफी हद तक उसमें सफल भी है, इसको खत्म करना शायद नहीं, इसलिए कई देशों को आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए, और अगर जड़े जहां जिस देश में नहीं पहुंची वहां पहुंच जाएंगी सब प्रभावित। लेकिन सर एक बात कहना चाहूंगा कि इसकी जड़े कहीं कोई गहराई में नहीं है। जिस दिन सारे देश इकट्ठा हो गए, जिस दिन एक मत होकर अगर कार्रवाई करें तो ये सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई होगी। आखिर आतंकवादी होते कौन है? गिने चुने 2-4-10 लोग कहां छुपेंगे जब बिल से निकाल कर मार दिया जाता है। लेकिन यहां वही एक लाइन में अगर कह दें आपका जवाब, ये सत्ता कुर्सी और जो एक इंडिया ने बहुत अच्छा जो फ्रंटल अटैक दो देशों के बीच में लड़ाइयां होती है उनको रोकने के लिए, उस वक्त ये परिकल्पना नहीं की गई थी कि एक प्रॉक्सी वार का आतंकवाद एक नया चेहरा होगा। प्रॉक्सी वार को रोके तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई अगर गंभीर समस्या आ रही है सारे लोग देश मिलकर उससे निपटे। नहीं देखिए, सवाल यही है कि नेचर ऑफ अटैक या वॉर जो है ना दोनों में अलग है। दो देशों में अगर लड़ाई है तो यूनेस्को वगैरह इंटरफियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए
में यूनेस्को क्या बोलेगा कि हम अपनी सेना भेजते हैं। ये एक ऐसा छद्म रूप है वार का, जिसको सारे देशों ने एक दूसरे के खिलाफ यूज करना शुरू किया हुआ है अपने अपने मकसद के लिए, जो ना वार की क्लियर कट, ये वार की कैटेगरी में नहीं आता है। इसीलिए यूनेस्को यहाँ पे बेबस जो है अपने आप को महसूस कर रहा है, और उस वक्त उन्होंने परिकल्पना नहीं की थी कि ये वार का एक नया रूप आएगा। चल सीएम पपना जी, क्या कोई समाधान आपको दिखाई दे रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, समाधान बहुत है सर। जिस तरीके से पूरा हमारा राष्ट्र के अंदर, पूरा हमारे विश्व के अंदर विकासशील और विकसित का एक अपना सवाल है, तो जितने विकसित राष्ट्र जितने हैं वो अपना एक अपने मोनोपोली करके पूरा चल रहे हैं, और दूसरे दूसरे राष्ट्रों को जिस तरीके से अभी अमेरिका पिछले वर्ष तक का जो है पाकिस्तान को किस तरीके से मदद कर रहा है सबको पता है। जब आतंकवाद का जहाँ तक सवाल आया तो सारी उसने उसकी रियायतें पूरी बंद कर दी, पूरे जितना भी उसको पैसा मिलता था वो सारा बंद कर दिया। तो धीरे धीरे समझ में बात आ रही है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये अगर नीति अगर बनती है तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही आतंकवाद जो है जो जिस तरह समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसको बना दिया गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देश जो है वो कई संगठनों को या बड़े आतंकवादियों को शह भी दे रहे हैं अपने फायदे के लिए, दूसरे जो दुश्मन देश हैं उनको नुकसान जरा सा पहुंचाने के लिए ये इनको शह भी दे रहे हैं। यही वजह है कि पूरे विश्व को लेकर जो है यहाँ पर जो आतंकवाद है उसको लेकर एक राय नहीं हो पा रही है, और एक देश क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है कई देशों में, एक देश शायद इसको ख़त्म करने में, उसको आतंकवाद को मिटाने के लिए शायद उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी जब तक सारे देश मिलकर इसको नहीं मिटाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद पूरी तरह से फैल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार। बाबा केदार ने भक्तों को भेजा बुलावा, मोक्ष की प्राप्ति का बाबा ने खोला द्वार।